हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले इस लेसन के मैंने जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सभी चीज़ों की वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्नेल लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ेंगे, ठीक है, जो अपवर्तन का इंडेक्स है वो भी पढ़ेंगे। तो यानी कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें क्या होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये देखिए आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताता हूँ, जिससे आप यूपी बोर्ड के हो या किसी भी हिंदी माध्यम के हो, इंग्लिश माध्यम के हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई आपको समस्या आती है लैंग्वेज में या जो भी कुछ हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम उसमें सुधार करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन तो हमने पढ़ चुका है, अब ये अपवर्तन क्या है। सबसे पहले हमें इस अपवर्तन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अपवर्तन मतलब क्या होता है, कि जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के बीच में अगर कुछ ना है तो क्या होगा, बिल्कुल सीधे चलता चला जाएगा। लेकिन जब वो अपना मीडियम चेंज करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे अभी एयर में अगर प्रकाश चलना है, वायु जो है हवा में प्रकाश चल रहा है, तो एक सीधी रेखा में चलेगा। लेकिन अगर उसके बीच में कुछ दूसरा माध्यम आ गया, जैसे जल आ गया, पानी आ गया, ठीक है, तो वो क्या उसी तरीके से वो सीधे उसमें भी चलेगा, यही चीज़ कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। वो सीधे चलेगा या तो फिर टेढ़ा होगा, कहीं किस प्रकार से दूर हटेगा, तो यही सभी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले दो माध्यम ले लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रकाश दोनों माध्यम में समान चलता है या अलग चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हमने माध्यम ले लिया, कौन सा, विरल, ठीक है, विरल यहाँ पर लिखते हैं इसको, विरल माध्यम, ठीक है, और यहाँ पर होगा इसका सघन माध्यम, ठीक है। सबसे पहले विरल और सघन को समझ लेते हैं। विरल मतलब जिसमें कम रुकावट हो, प्रकाश को चलने के लिए कम रुकावट हो, जैसे प्रकाश वायु में चल रहा है तो वो सीधे चलता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सघन में क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर इसको डेंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस माध्यम में ये प्रकाश आएगा, ठीक, तो इस सघन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको डेंसर कहते हैं, इसको विरल को क्या कहते हैं, रेयरर, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई सनलाइट यहां आ रही है, ठीक, तो यहां आने के बाद क्या होगी कि ये एक माध्यम है तो यहां सीधे चलेगी, जैसे मान लीजिए ये विरल है, हवा रेयरर मीडियम है, तो इसमें ये सीधे चलेगी। लेकिन जैसे ही ये दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, ठीक है, तो ये क्या होगी, अपने जो रास्ता है इसको जाना कैसे चाहिए, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर सीधे नहीं जाएगी, यहाँ से इसका रास्ता बदल जाएगा, इसी को कहते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो कैसे बदलेगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो हमने मीडियम को, दोनों मीडियम के बीच में है, इसके बीच में हमें एक परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब अभिलंब को खींच लेना है, ठीक है, जो बिल्कुल इसी के 90 डिग्री पर हो, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका, नॉर्मल परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि अब ये, और ये क्या है, ये प्रकाश है, ये लाइट है, ठीक है, ये जो चल रही है ब्लू कलर से, ये लाइट है। अब जब ये रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम डेंसर में जाएगी, तो ये इस नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। इसको जाना एक्चुअल में कैसे चाहिए था, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ कि ये इधर इस नॉर्मल की तरफ, इस अभिलंब, ठीक है, इस अभिलंब की तरफ झुक जाते, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई इसकी,
अब आइए देखते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है। ठीक, तो सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, ऐसे ही बिल्कुल केवल इसका मीडियम चेंज कर देंगे। जैसे इधर डेंसर, यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक, जैसे यहाँ पर हम लोग मीडियम को चेंज कर देंगे, डेंसर हम लोग ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, डेंसर मीडियम, ठीक बच्चों। फिर यहाँ पर हम लोग कौन सा ले लेंगे, रेयरर मीडियम, ठीक, यानी कि ये क्या हो गया, सघन, और ये हो गया विरल, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि इसके बीच में भी, इस पर भी ऐसे लाइट आएगी, ठीक है, ये लाइट आने के बाद अब इस पर भी हम लोग क्या खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके इस वाले प्लेट के 90 डिग्री पर होना चाहिए ऐसे, ठीक, बिल्कुल, तो अब क्या होगा कि जब ये लाइट डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये इसको एक्चुअल में जाना कैसे चाहिए, इसको सीधे निकल जाना चाहिए, ठीक, ऐसे सीधे जैसे आ रही हो वैसे चले जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जाकर क्या करेगी, ये अपने परपेंडिकुलर यानी कि इस एन नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी, ठीक, ऐसे चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको जाननी जरूरी है कि जो लाइट होती है वो अगर विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो परपेंडिकुलर की ओर झुक जाएगी, और सघन माध्यम से मतलब जो सघन का मतलब जो घना हो, डेंस हो, ठीक है, जिसमें लाइट को चलने में तकलीफ हो क्योंकि उसके पार्टिकल उसको क्या करेंगे, रोकेंगे, वहाँ से अगर निकलकर ये बाहर आएगी तो ये परपेंडिकुलर से दूर होकर चली जाएगी। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी बनेगी जहाँ पर ना तो ये दूर हटेगी ना तो फिर ये पास रहेगी, ठीक है। उससे पहले जान लेते हैं ये क्या है, ये इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, एंगल आई, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग इसको मेरेस कर देते हैं और इसके इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल आर, क्योंकि ये जो लाइट, ये जो हम लोगों को रेखा दिख रही है, ये जो प्रकाश की किरण है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, उसी प्रकार से ये क्या है, ये आपतित है, ये वाली किरण क्या है, आपतित किरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं इसमें। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी एक एंगल बना होगा, एंगल आई और इसका ये एंगल आर। इसकी कंडीशन में हमने क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था जो एंगल आई था, ठीक है, वो क्या था, बड़ा था, ये ग्रेटर देन है, किससे, एंगल आर से, ठीक है। और दूसरे वाले कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल जो आई है ये क्या है, छोटा है, लेस देन, किससे, एंगल आर से, ठीक। अब थर्ड यहाँ पर कंडीशन बनती है जिसमें क्या होगा कि ये बिल्कुल अगर ये मीडियम चेंज भी होता है तभी भी ये ना तो दूर होगी ना तो पास आएगी, मतलब बिल्कुल चेंज ही नहीं होगी। और अभी तो आप बोलेंगे कि सर आपने कहा है कि चेंज हो जाएगा इसका मीडियम, तो यही देखिए इसमें है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि ये जो रेस आ रही है, ये जो लाइट की रेस आ रही है, ये बिल्कुल सीधे होनी चाहिए, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब सोचिए कि ये क्या है, रेस है, इंसिडेंट रे है, ठीक, और इसी लाइन पे हम लोग क्या खींच रहे हैं, अगर परपेंडिकुलर भी इसी लाइन पर है तो ये क्या होगी, ये ना तो इधर जाएगी ना तो इधर, तो ये किसी भी मीडियम से सीधे होते हुए निकल जाएगी बाहर, चाहे यहाँ पर रेयरर हो, यहाँ पर डेंसर हो, यहाँ पर विरल हो, सघन हो, मतलब कोई भी मीडियम हो, मीडियम चेंज नहीं होगा, ये जिस वे से आएगी उसी वे से दूसरे मीडियम में इंटर करी आएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो इसकी लाइट आने की जो सोर्स है, इसका जो वे है, ये कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल आई जीरो हो जाएगा, एंगल आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यही है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है बच्चों।
कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा अगर सीधे नहीं आपतित है, परपेंडिकुलर के साथ नहीं आपतित है, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा और अभिलंब के पास आएगा। ठीक है, और कंडीशन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका एग्जांपल दूं मैं, हो गया। ठीक, अब जैसे हम लोग यहाँ पर एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर कांच, ठीक, ये क्या है, ग्लास, कांच, ठीक, तो इस पे, इसके इधर क्या है, ये एयर है, इसके इधर भी एयर है, ठीक है, तो एयर कौन सा मीडियम होगा, विरल, यानी कि डेंसर होगा कि रेयरर, रेयरर होगा। ठीक, तो ये लाइट इस पे आएगी, ठीक, फिर इसके बाद इस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो ये जो है, अगर रेयरर से जा रही है डेंसर की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे ये सीधे आएगी, जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ से ये लाइट को बाहर निकलना है, तो इसका परपेंडिकुलर हम लोग बनाएंगे, ठीक, तो फिर ये परपेंडिकुलर से यहाँ से क्या होगी, दूर निकल जाएगी, क्योंकि ये इस मीडियम डेंसर से फिर क्या आ रही है, रेयरर में आ रही है, विरल सघन से फिर विरल में आएगी, तो इससे क्या होगी, दूर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इससे भी आप समझ सकते हैं, या तो आप प्रिज्म की सहायता से भी इसे समझ सकते हैं। ठीक, तो प्रिज्म में भी जाएगा, फिर इसके बाद बाहर आएगा, मतलब अगर मीडियम चेंज हुआ तो फिर ये, अगर ये, तो ये अपना मार्ग जो है विचलित करेंगे, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसको मिटा दें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, तो इसका मैं यहाँ पे डायग्राम छोटा सा बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए इसका एक कोई मीडियम है और इसके बीच में इसका ये परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको रेयरर लेंगे, यानी कि सघन, सॉरी विरल लेंगे, तो ये क्या करेगा, इस परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल बना हुआ है इसको बोलेंगे एंगल आई, इसके बीच में जो बना है एंगल आर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं बड़ा सा एंगल आर। ठीक, तो इसके, इसका जो फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल तो हम सभी लोग जानते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परावर्तन के नियम पढ़ाया था, तो उसमें ही बताया था कि आपतित किरण, और ये बिंदु है एक यहाँ पर, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो फर्स्ट रूल क्या होगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण, तीनों, सॉरी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये सर, और इसका अभिलंब। ठीक है, ये इसका अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये तो मान लीजिए इसका फर्स्ट रूल हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे सेकेंड रूल। ठीक, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं आपतित किरण कामा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल के एक बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु,
बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये तो इसका हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट रूल हो गया, क्या हो गया, कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसके सेकंड रूल को देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये जो एंगल आई है, ठीक है, तो इसकी ज्या, मतलब इसको हम पहले लिख देते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, और इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक, मतलब आपतित किरण जो आपतन कोण है, ठीक है, उसकी ज्या और जो अपवर्तित होने के बाद जो ये एंगल बना है यानी कि एंगल आर, इसकी ज्या ये आपस में क्या होंगी, नियतांक होंगी, और इसी को क्या कहा जाएगा, अपवर्तनांक। ठीक, इन दोनों का अपवर्त, इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या होता है, एक नियत होता है, नियतांक होता है, और उसी नियतांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। और इस अपवर्तनांक के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर सिर्फ इतना लिख लीजिए। ठीक है, या तो फिर इसको भी लिख सकते हैं आप साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। ठीक है, और इसी नियम को यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, इसी दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछता है, कहा जाता। ठीक, तो स्नेल का नियम क्या हो गया कि साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू नियतांक, यानी कि इसी को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये थे कुछ अपवर्तनांक के बारे में बातें, और ये था प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिसमें से दो नियम हम लोगों ने पढ़ा। मिटा दे इसको,